मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री व क्षेत्रीय विधायक सुश्री मीना सिंह ने उमरिया जिले के पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 32 लाख रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस की सौगात प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सुश्री मीना सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ एम्बुलेंस की पूजा कर हरी झंडी दिखाई। वही कार्यक्रम में संबोधित करते हुए वह भावुक होकर रो पड़ी। इन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान हम लोगों को आम जन को पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं करा पाए। क्षेत्र में कई घरों के सदस्य कोरोना के काल के गाल में समा गए। मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा पर कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मंचीय कार्यक्रम के दौरान पाली अस्पताल में बाउंड्री वॉल निर्माण, चिकित्सक पद स्थापना सहित अत्याधुनिक एक्सरे मशीन आदि की मांग क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री मीना सिंह ने कहा कि सरकार चिकित्सकों की भर्ती को लेकर लगातार प्रयासरत है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस के नामदेव, भाजपा नेता सरजू अग्रवाल, प्रकाश पालीवाल, बहादुर सिंह, सांसद प्रतिनिधि दीपक दास, SDOP जितेंद्र जाट, SDM नेहा सोनी, CMO VK जैन सहित पार्षद नगर के गणमान्य नागरिक सहित भाजपा नेतागण उपस्थित रहे। आप सबके सहयोग से आज पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक एम्बुलेंस विधायक विकास निधि से प्रदाय की गई है। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर किसी को कहीं बाहर ले जाने की आवश्यकता अगर पड़ती है तो उसके लिए ठीक सुविधा हो गई। तीसरी लहर की बात अपन क्यों करें, भगवान से अपन प्रार्थना करते हैं कि तीसरी लहर ना आए। अगर कहीं खुदा ना खास्ता अगर तीसरी लहर पहुंचती भी है, अगर कुछ है, जैसे लोग अगर पीड़ित होते हैं तो कहीं किसी को बाहर जाना होगा तो गाड़ी बराबर सभी के काम आएगी। और चूंकि वैकेंसी खाली जा रही है, कोई डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर पाली भी है, नगर पालिका परिषद में है, भोपाल या इंदौर का कोई भी डॉक्टर यहाँ भी नहीं आना चाहता, तो वो बहुत सी दिक्कत है। पर हमारा प्रयास रहता है, मैं तो जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलती हूँ तब भी हर समय बात रखती रहती हूँ कि हमारे यहाँ डॉक्टर बढ़ाइए। तो अभी जैसे सीमेचो साहब बता रहे थे कि कुछ डॉक्टरों की पदस्थापना हुई है, और आप सबके सामने मैंने मांग भी रखी है कि सप्ताह में अगर दो दिन भी यहाँ से उमरिया से आके डॉक्टर बैठेंगे तो काफी लोगों का अच्छा इलाज हो सकेगा, ऐसा मैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।